हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों और मानव मन की गहराई का पता लगाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो आपके विश्वासों को चुनौती देगी, आपके क्षितिज का विस्तार करेगी और आपके पास उत्तर से ज़्यादा प्रश्न छोड़ देगी। आइए वास्तविकता की सबसे छोटी बिल्डिंग द क्वांटम वर्ल्ड से शुरुआत करें। कण, क्वांटम यांत्रिकी की दुनिया दिमाग को हिला देने वाली घटनाओं से भरी हुई है जो हमारे सामान्य ज्ञान को चुनौती देती है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि कण एक साथ दो स्थानों पर हो सकते हैं या वे प्रकाश की गति का उल्लंघन करते हुए बड़ी दूरियों पर एक साथ संचार कर सकते हैं? ये क्वांटम दुनिया की अजीब व्यवहार है जो वैज्ञानिक अभी भी अपने सिर को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि हमारी वास्तविकता कुछ और नहीं बल्कि सिमुलेशन हो सकती है? सिमुलेशन एक परिकल्पना है, एक अवधारणा जिसने हाल के वर्षों में दार्शनिकों, भविष्यवादियों और वैज्ञानिकों द्वारा लोकप्रियता हासिल की है। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह होगा कि हम जो कुछ भी जानते हैं, अनुभव करते हैं, वह सिर्फ एक भ्रम, एक खेल, एक सपना हो सकता है। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। क्या होगा अगर मैंने कहा कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक ही नहीं हो सकता है? क्या होगा अगर वहाँ अनगिनत अन्य ब्रह्मांड है, प्रत्येक के पास भौतिकी के अपने नियम हैं, जैसे किसी उच्च आयामी मशीन पर चलने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम। इसका अपना इतिहास है, इसका अपना आप है, यह मल्टीवर्स हाइपोथीसिस है, एक और दिमाग उड़ाने वाला विचार जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान और क्वांटम यांत्रिकी से उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह होगा कि वास्तविकता की अवधारणा हमारी कल्पना से कहीं अधिक तरल और विविध है। अंत में आइए दर्शन शास्त्र में से पुराने और सबसे मायावी प्रश्न में से एक से निपटे, माइंड बॉडी प्रॉब्लम। हमारा दिमाग हमारे शरीर से कैसे संबंधित है? क्या वे एक ही चीज है या अलग अलग संख्याएं हैं? क्या हमारी चेतना हमारे भौतिक मस्तिष्क के बिना मौजूद हो सकती है या इसके विपरीत? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से विचारकों को भ्रमित किया है और हम अभी भी एक संतोषजनक उत्तर से दूर हैं। तो अब आपके पास चार दिमाग उड़ाने वाले विचार हैं जो दुनिया और खुद की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। हमें उम्मीद